रोहित शर्मा ही होंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 में कप्तान। T20 विश्व कप का आयोजन अगले साल वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत जून में हो सकती है, मगर इससे पहले कप्तानी को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है कि आखिरकार कप्तान कौन होगा। मीडिया में खबर है कि BCCI अधिकारी नियमित कप्तान रोहित शर्मा को राजी करने में लगे हुए हैं कि वह T20 विश्व कप 2024 में टीम इंडिया का नेतृत्व करें, मगर उनका अभी तक कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है। जबकि दूसरी ओर व्हाइट वॉल क्रिकेट में टीम की कमान संभाल रहे हार्दिक पांड्या के नाम का सुझाव भी आगे चल रहा है। आखिरकार रोहित शर्मा को ही क्यों 100% कप्तानी सौंपी जा सकती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। रोहित शर्मा टीम इंडिया के नियमित कप्तान हैं। उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को कई बड़े टूर्नामेंट अंत पहुंचाने का काम किया है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण उन्हें फाइनल जैसे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। वनडे विश्व कप में रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी का सबको मुरीद बना दिया है। उन्होंने 10 में से 10 मैच जीत कर कमाल कर दिया था। हालांकि 11वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर हिटमैन सहित तमाम भारतीयों का दिल तोड़ दिया था। इससे पहले इस साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ने WTC के फाइनल में करारी शिकस्त दी थी। हालांकि इन हारों को पॉजिटिव तरीके से लिया जा सकता है। जहां कोई टीम नहीं पहुंच सकी, वहां रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी से भारत को बाहर लाकर खड़ा कर दिया और फाइनल मुकाबला खेला। वहीं अगले साल खेले जाने वाले T20 विश्व कप 2024 में BCCI अधिकारियों की पूरी कोशिश है कि रोहित शर्मा ही टीम की कमान संभालेंगे, क्योंकि उनकी कप्तानी का अभी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि T20 में टीम इंडिया के नेतृत्व करने वाले हार्दिक पांड्या चोटिल हैं। रोहित शर्मा के अलावा किसी और खिलाड़ी के साथ नहीं जाना चाहेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।